अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम की, और एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की। आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा जनाब अली नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की। तो आइए हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, तो हमें ये बात पता लगती है और हमें ये बात समझ में आती है कि थाई की जो नर्व सप्लाई है वो मेनली ऑब्चुरेटर नर्व के जरिए है मिडिल कंपार्टमेंट की, और जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्चुरेटर आर्टरी और प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी के थ्रू है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम एनाटॉमी ऑफ थाई की बात कर रहे हैं। आपको पता है थाई इज द रीजन ऑफ द लोअर लिम विच इज लोकेटेड बिटवीन द इनगॉइनल लिगामेंट एंड द नी जॉइंट। तो ये बात कई दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा इसके बारे में हमें ध्यान में बोझ डालने की ज़रूरत अब नहीं है। इसके साथ ही हमें पता है कि थाई को फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन हम लोग तीन कंपार्टमेंट में, फेशियल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। और अभी हम मीडियल कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जब हम मीडियल कंपार्टमेंट को देखते हैं तो मीडियल कंपार्टमेंट के उसके अपने मसल्स हैं, उसकी अपनी वेसल्स हैं, उसके अपने नर्व्स हैं। तो मसल्स की लास्ट लेक्चर में आपने और मैंने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई की, और आज हम लोग बात करेंगे इसकी नर्व सप्लाई की। तरीका वही होगा जो हम लोग हमेशा अडैप्ट करते हैं, यानी मैं आपको डायग्राम में चीज़ें समझाता जाऊंगा और इसकी जो नोट्स वाली स्लाइड होंगी उनको कुछ कुछ देर के लिए स्क्रीन के ऊपर रोकता जाऊंगा। आप चाहें तो उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहें तो उनके नोट्स बना लीजिएगा, वो जैसा आपको सही लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो जब हम वेसल नर्व्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की बात करते हैं, तो हमारे पास जो आर्टेरियल सप्लाई है वो दो जगह से आ रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी से आ रही है और दूसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी से आ रही है। तो अब आप इसको यहाँ पर इसके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो इसे नोट बना लीजिएगा, इसको पॉज करके। मैं अब आगे जा रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम में चीज़ें समझाऊंगा कि वहाँ पर क्या है। तो जब इस डायग्राम को मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो जो है वो आर्टरीज बिल्कुल वाजे जो है वो नज़र आ रही है। एक देखिए प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी मुझे नज़र आ रही है, नाउ दिस इज द प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। आपको पता है कि जो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है ये जनाब अली फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है, और जहाँ पर फेमोरल आर्टरी ओरिजिनेट हुई थी, आपको याद है ना हमने पढ़ा था कि जैसे ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इनगॉइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है हम उसका नाम फेमोरल आर्टरी रख देते हैं। तो जैसे ही फेमोरल आर्टरी ओरिजिनेट होती है उसके सिर्फ एक इंच के नीचे, यानी फेमोरल आर्टरी की ओरिजिन से सिर्फ एक इंच नीचे, वो अपनी एक बहुत बड़ी ब्रांच देती है जिसको हम प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी कहते हैं, और ये फेमोरल ट्राइंगल के अंदर ओरिजिनेट होती है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके बाद ये आर्टरी जो होती है वो एडक्टर लॉन्गस और ब्रेविस मसल्स के दरमियान में तो होती हुई जनाब अली अपनी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में एंटर हो जाती है, जहाँ ये चार परफोरेटिंग आर्टरी बना लेती है, जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रही है। नाउ दिस इज द फर्स्ट परफोरेटर, सेकंड परफोरेटर, थर्ड परफोरेटर, और प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी खुद टर्मिनेट होती है बाय बिकमिंग फोर्थ परफोरेटर आर्टरी। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी की इन चार परफोरेटर्स के अलावा भी कुछ ब्रांचेज होती हैं, जैसे हमें यहाँ पर ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी नज़र आ रही है, हमें ये लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी नज़र आ रही है। तो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी दोनों फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो मसल्स होते हैं मीडियल कंपार्टमेंट में उनको जो है वो सप्लाई दे रही होती है, और उसके उनकी जो है वो लाइफ लाइन को जो है वो मेनटेन कर रही होती है। उसके अलावा जो फोर परफोरेटर हैं ये आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे मिडिल कंपार्टमेंट के जो मसल हैं और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इनको परफोरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट मसल्स को परफोरेट करती हुई पूरे के पूरे मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही होती है। ठीक हो गया। एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी ब्रांचेज हैं आप देख रहे हैं ये सारी की सारी ब्रांचेज आपस में इनास्टोमोस करती रहती हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड एक वेसल किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो दूसरी वेसल कंपनसेट करने के लिए उसको वहाँ पर मौजूद हो। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी आर्टरी जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई देती है बेटा थोड़े से डिस्टेंस के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, वो बेटा प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी के बाद ऑब्चुरेटर आर्टरी है, और ऑब्चुरेटर आर्टरी आपने याद रखना है इंटरनल इलियक आर्टरी की जो है ब्रांच है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फेमोरल आर्टरी ओरिजिनेट हुई और उसके बिल्कुल साथ आपको ये प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी नज़र आ गई, उसके बाद ये मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने, फिर ये चार परफोरेटर हैं, सारा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑब्चुरेटर आर्टरी भी नज़र आ रही है जो एक बहुत थोड़े से पोर्शन होती है मीडियल कंपार्टमेंट को जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही है। अब ये इंटर इलियक आर्टरी ब्रांच है आपने ध्यान में रखना है, और ये जनाब लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस से पास होती हुई ऑब्चुरेटर नर्व के साथ, देख रहे हैं आप ये ऑब्चुरेटर नर्व के बिल्कुल साथ है, ये ऑब्चुरेटर नर्व के साथ होती हुई मीडियल कंपार्टमेंट में एंटर हो जाती है,
और जब ये मीडियल कंपार्टमेंट में एंटर होती है तो उसके बाद ये मीडियल और लेटरल ब्रांचेस के अंदर अपने आपको डिवाइड कर लेती है, और जब ये मीडियल लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो जनाब अली ये वहाँ पर ऑब्जुलेटर मेम्ब्रेन को और जो मसल्स वहाँ मौजूद होते हैं उनको, और साथ ही चूँकि यहाँ पर हिप जॉइंट मौजूद है तो हिप जॉइंट को भी जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही होती है। ठीक हो गया। तो इस तरह प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी और ऑब्जुलेटर आर्टरी दो आर्टरीज हैं जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई दे रही है। ध्यान में आपने रखना है कि जो मेन ब्लड सप्लाई है वो जनाब अली प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी के जरिए है, और उसके साथ कुछ जो सप्लाई है वो ऑब्जुलेटर आर्टरी के जरिए है। अच्छा, इस डायग्राम में जो मैंने रिचर्ड एस स्नेल से ली हुई है, आप एक और चीज़ भी नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मसल्स को ये ब्रांचेस जो कि पियर्स करती हुई जा रही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड परफोरेटर्स, है ना। ओके, अच्छा, अब जब हम इसकी वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो जैसे आपके पास ऑब्जुलेटर आर्टरी है वैसे आपका ऑब्जुलेटर वेन होती है, जैसे आपका प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी है वैसे ही प्रोफंडा फेमोरल वेन होती है। तो जो आर्टरीज होती हैं वेन की ट्राइब्यूटरीज उनको जो है वो कोरिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो इस डायग्राम के अंदर ये सारी वेन्स जो है यहाँ पर इसकी आपको नज़र आ रही है। ठीक है बेटे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया हमारी इसकी पीडियल कंपार्टमेंट की ब्लड सप्लाई। अब जरा इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो जब हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो इसकी नर्व सप्लाई है वो हमारे पास जनाब अली ऑब्जुलेटर नर्व से होती है जो कि लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है, और जनाब अली ये सॉस मसल की मीडियल बॉर्डर से होती हुई एब्डोमेन से हमारे लोअर लिम के अंदर एंटर होती है। जब हम इसको देखते हैं तो ये लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस से होती हुई जनाब अली अपर पार्ट ऑफ द ऑब्जुलेटर फोरामेन में पहुंचती है, और जहाँ पर ये एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑब्जुलेटर नर्व आपको यहाँ नजर आ रही है। तो ये लंबर प्लेक्सिस से आई और ये लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस से होती हुई ऑब्जुलेटर फोरामेन से होती हुई यहाँ पर थाई में एंटर हो गई, और यहाँ ये मीडियल और लेटरल ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अब जो इसकी एंटीरियर जो डिवीजन है वो जनाब अली ऑब्जुलेटर एक्सटर्नस के आगे से और ऑब्जुलेटर एडक्टर ब्रेविस के आगे से पास होगा, और ये पेक्टिनियस और एडक्टर लॉकस के पीछे होगा। अब आपको इसकी इतने रिलेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका जो एंटीरियर डिवीजन है वो जनाब अली ग्रेसिलस को, एडक्टर ब्रेविस को, एडक्टर लॉकस को और पेक्टिनियस को ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई देता है। तो देखें ये एंटीरियर डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेसिलस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉकस, तो तीन इंपॉर्टेंट मसल हैं मीडियल कंपार्टमेंट के जिनको ये नर्व सप्लाई देती है इसकी एंटीरियर डिवीजन। इसी तरीके से जब हम इसकी और देखेंगे तो यहाँ पर चूँकि ये हिप जॉइंट के पास से क्रॉस करती हुई आ रही है तो ये हिप जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांच भी देती है, और जनाब अली ये यहाँ पर फीमोरल आर्टरी को भी नर्व सप्लाई जो है प्रोवाइड करती है। आपको पता है जो वेसल्स होती हैं उनकी भी नर्व सप्लाई होती है, और वो नर्व जो वेसल्स को सप्लाई करती हैं उनको हम नर्वी वेदोरम कहते हैं ना। तो जो नर्वी वेदोरम होगी फीमोरल आर्टरी की वो भी ऑब्जुलेटर नर्व की एंटीरियर डिवीजन से जो है वो ओरिजिनेट होगी। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जब हम इसकी पोस्टीरियर डिवीजन को देखते हैं तो पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो ऑब्जुलेटर एक्सटर्नस को पियर्स करती है, और जनाब अली ये एडक्टर मैग्नस के सामने से निकल आती है, और उसके बाद जनाब अली ये सप्लाई करती है एडक्टर मैग्नस को, और कभी कभी ये ऑब्जुलेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करने के साथ साथ एडक्टर ब्रेविस को भी सप्लाई करती है। तो पता ये चला कि जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है वो एडक्टर मैग्नस को, कभी कभी एडक्टर ब्रेविस को, और साथ में ऑब्जुलेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करती है, और एंटीरियर डिवीजन ग्रेसिलस को, एडक्टर लॉन्गस को और एडक्टर ब्रेविस को जो है वो सप्लाई करती है। तो ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई। ठीक है बेटा। तो ये जनाब अली आपके मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की नर्व और वेसल्स हो गई। इस तरह ये मीडियल कंपार्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की दाद से कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे इंशाल्लाह तआला तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फीमोरल ट्रायंगल, तो हम फीमोरल ट्रायंगल की बात करेंगे। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुँचे। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।